देखो दोस्तों, आज है 2 नवंबर, बोले तो शाहरुख खान का बर्थडे। और आज के दिन एक ऐसे पानी की बूंद गिरी है धरती के ऊपर जिसने तबाही मचा दी है इंटरनेट की दुनिया में। उस बूंद का नाम है डंकी का टीजर 1। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। और आज हम उसी डंकी के टीजर 1 उसका रिव्यू करेंगे। तो कहीं भाग मत जाइएगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या है टीजर के अंदर। टीजर की शुरुआत में आपको मदहोश कर दे वैसे गाने के साथ जिस तरीके से टीजर ने आगाज किया ना, उसके बाद जब शाहरुख खान की एंट्री होती है तो वो देख के आप कहोगे भाई बहुत बढ़िया एंट्री थी शाहरुख खान की। और फिर जिस तरीके से टीजर धीरे धीरे करके आगे अपने कदम बढ़ाते गया, उसी तरीके से सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट की एक के बाद एक इंट्रोडक्शन हमारे सामने की गई दोस्तों। मगर जैसे ही लास्ट वाला इंट्रोडक्शन मेरे सामने आया तो मैं शॉक में आ गया। मैंने कहा ये तो विक्की कौशल है, विक्की कौशल, और वो भी इस मूवी के अंदर, असंभव। मगर हर असंभव चीज को संभव किया है शाहरुख खान ने। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा शाहरुख खान, उसके साथ तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, विक्की कौशल और बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो यहाँ पे शाहरुख खान के ये चार दोस्त होते हैं, उनको जाना होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड बोले तो लंदन, क्योंकि पंजाब में बंदा जाएगा इंग्लैंड या फिर कनाडा, तो यहाँ पे इंग्लैंड दिखा है। तो अभी इंग्लैंड किस तरीके से वो लोग जाते हैं और उन सारी प्रोसेस के बीच में जो कुछ भी उतार चढ़ाव, कॉमेडी, इमोशन, जो कुछ भी होने वाला होगा ना, वो इस पूरी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे डायरेक्टर की बात करें तो वो है राजकुमार हिरानी सर। उनकी खासियत है कि छोटे से छोटे सीन को लार्जर देन लाइफ बना दे, वैसा डायरेक्शन है उनका। और वो इस टीजर के अंदर भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे सभी लोग एक बंदे को कहते हैं कि अपनी बूढ़ी दादी की कसम खा कि आज के बाद तू इंग्लैंड जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अरे फिर क्या, उसकी दादी टपक गई। वैसे तो ये सीन बहुत इमोशनल है, मगर जिस तरीके से आप टीजर के अंदर इस सीन को देखोगे ना, तो आप ऐसा एक बार तो, सिर्फ एक बार आपके मुँह से स्माइल निकलेगी। और मुझे तो ये टीजर बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर तापसी पन्नू और शाहरुख खान के बीच में थोड़ा लव एंगल भी देखने को मिलता है। तो शाहरुख खान डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जो भी पहला बच्चा होगा ना डॉक्टर, वो मैं आपके नाम पे रखूंगा। और उसके बाद डॉक्टर अपना लंबा चौड़ा जो नाम बोलता है ना, तो शाहरुख खान कहता है आप डॉक्टर साहब अपना नाम लिख के दीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा। तो दोस्तों मुझे तो ये टीजर बहुत अच्छा लगा। अभी मूवी कितनी अच्छी होगी वो तो रिलीज होने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों आपको क्या कहना है डंकी मूवी के बारे में, आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।